नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशा पांडे। देश भर में इस समय दशहरे की धूम है। लोग रावण दहन के लिए तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं। जहां रामलीला मैदान में भव्य आयोजन हो रहा है रावण दहन का, तो वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच दशहरे के दिन दशहरा रैली को लेकर सियासत गर्म है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ रावण दहन नहीं होता। जी हाँ, आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रावण दहन नहीं होता बल्कि रावण की पूजा की जाती है। आइए आज आपको इन्हीं जगहों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला तो है मध्य प्रदेश का बातखेड़ी गांव। कहा जाता है कि इस गांव में रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि इस गांव में कोई किसी को भी रावण का पुतला तक नहीं जलाने दिया जाता, क्योंकि इस गांव के लोगों की मान्यताएं हैं कि रावण उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ इस गाँव में रावण और कुंभकर्ण की दो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं और लोग दोनों की पूजा करते हैं, इसीलिए इस गाँव में कभी भी रावण दहन नहीं किया जाता। दूसरा है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं से आती थी, इसलिए ये मंदोदरी का मायका हुआ और यहाँ रावण को दामाद के रूप में पूजा जाता है। इसलिए इस जिले में भी रावण दहन नहीं होता, बल्कि यहाँ तो दशहरे के दिन रावण की नाभि में तेल लगाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री राम का तीर सीधा रावण की नाभि में लगा था, इसलिए लोग उस पीड़ा को कम करने के लिए आज भी दशहरे के दिन रावण की नाभि में तेल लगाते हैं। तीसरा है मध्य प्रदेश का कच्ची खली गांव। यहाँ भी आज तक रावण दहन नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ रावण की पूजा की जाती है। लोगों की ये भी मान्यताएं हैं कि अगर वो रावण दहन करेंगे तो उनका पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा, इसलिए आज तक यहाँ कभी भी रावण दहन नहीं किया गया है। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...